हेगल का आविष्कार किसने किया, और आज हम आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा राष्ट्रगान गाते हुए सुनाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों अभी की सदी में तो कार बहुत कॉमन हो चुकी है, लेकिन दोस्तों आज हम आपको भारत की सबसे पहली कार को दिखाने वाले हैं। जी हाँ, डीजल इंजन का। दोस्तों इस कार को सन 1897 में क्रॉम्पटन ग्रीव्स नाम के आदमी ने खरीदी थी और इसे पहली बार कोलकाता की सड़कों पर दौड़ाया था। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों यह तो हम जानते हैं कि अमेरिकी साइंटिस्ट क्रिस्टोफर लिदम जोन्स ने कीबोर्ड का आविष्कार किया, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि कीबोर्ड में हमेशा अल्फाबेट सिस्टमेटिक वाइज क्यों नहीं रहते? दोस्तों इसका मेन रीज़न है कि जब क्रिस्टोफर लिदम जोन्स ने कीबोर्ड का आविष्कार किया तब उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी टाइपिंग करने में। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा ये कारण था कि जो अक्षर या अल्फाबेट ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते वो सामने में आ जाते थे। तो दोस्तों यही सोच के क्रिस्टोफर लिदम जोन्स ने सोचा कि जो अक्षर अल्फाबेट ज़्यादा यूज़ होते हैं उनको सामने में रखें और जो कम यूज़ होते हैं उनको पीछे में रखें। तो दोस्तों यह था मेन रीज़न कि कीबोर्ड में अल्फाबेट सिस्टमेटिक वाइज क्यों नहीं। फैक्ट नंबर 3। तो हम सब तो यह जानते हैं कि हमारे भारत देश का राष्ट्रगान श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा, लेकिन दोस्तों कभी आपने उनके मुँह से राष्ट्रगान गाते सुना है? अगर आपने नहीं सुना तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं और आपको हम सुना ही देते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युगल भंग। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों अक्सर आपने गौर किया होगा कि अब जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उनके नाम के साइड में छोटा सा आर का टिक लेते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है उस आर का मतलब होता क्या है? दोस्तों उस आर का मतलब होता है रजिस्टर्ड, जिससे हमको यह पता चलता है कि दोस्तों आप जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो अभी इंडिया के प्रोडक्ट में रजिस्टर्ड है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों हम तो यह जानते हैं कि जब व्हीकल्स नहीं थे तो सबसे ज़्यादा चलाव साइकिल का हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि साइकिल का आविष्कार किसने किया। दोस्तों आपको हम बता दें कि जर्मनी के एक वन अधिकारी कॉर्न वॉन ड्रेस ने साइकिल का आविष्कार सन 1817 में किया और उस साइकिल का आविष्कार करते ही पूरी दुनिया में छा गए। और दोस्तों आपको हम वो साइकिल दिखा भी देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।